हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MRE नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं कि आप अपनी 10वीं और प्लस टू का जो बोर्ड का रोल नंबर होता है उसे PSV के साइट पर कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड का रोल नंबर है उसे आप PSV पर रजिस्टर करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी PSV अपना रिजल्ट अनाउंस करेगा तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। कई बार दोस्तों ये होता है कि आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आपका रिज़ल्ट कब आने वाला है, तो इस सिचुएशन में दोस्तों अगर आपका रोल नंबर PSV की साइट पर रजिस्टर रहेगा तो आप अपना जो है रिज़ल्ट आपका ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना कैसे रजिस्टर कर सकते हैं बोर्ड का रोल नंबर। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र में आके दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना है PSEB। इसके बाद आपको पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल साइट के अंदर एंटर करना है। आपको यहाँ पर सिंपली रिजल्ट पे क्लिक करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको जिसका रोल नंबर रजिस्टर करना है वो यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि आप प्लस टू का रोल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं कि 10th का, तो इस वीडियो में आपको प्लस टू का ही रजिस्टर करके दिखाऊंगा रोल नंबर, क्योंकि 10th का भी उसी तरह ही होता है जिस तरह प्लस टू का होता है, 10th का इससे भी आसान होता है। तो चलिए प्लस टू का हम रजिस्टर करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना यहाँ रोल नंबर फिल करना होगा, तो मैं अपना रोल नंबर यहाँ फिल कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने रोल नंबर फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ नाम डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी, जिस तरह की प्लस टू में कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस जो भी होते हैं उस तरह। तो चलिए मैं यहाँ स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ एक मोबाइल नंबर दे देना है, तो मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID डालनी होगी, क्योंकि जो रिज़ल्ट जो पंजाब बोर्ड आपको भेजेगा वो आपकी ईमेल ID पर PDF के रूप में भेजेगा, तो इसलिए ईमेल ID बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट यहीं पर सेंड किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर ईमेल ID फिल कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आपकी ईमेल ID कहाँ पर मिलेगी। आपकी ईमेल ID आपके फ़ोन में Gmail वाली एप्लीकेशन में होती है। आपको यहाँ पर मैसेज रिसीव होगा, आप दे सकते हैं। यहाँ पर ईमेल ID है, इसी पे आपको पंजाब बोर्ड इसी पर आपको रिज़ल्ट भेजेगा। तो चलिए, मैंने ईमेल ID फिल कर ली है। उसके बाद आपको सिंपली गो पर क्लिक करना है। आपको एक पॉपअप दिखाई देगा यहाँ पर, यहाँ आपको बस ओके करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, यहाँ बताया जा रहा है कि अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट करने के लिए आपके ईमेल बॉक्स में एक मैसेज भेजा गया है, और आप उस पर जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका रजिस्ट्रेशन है जो वो वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो चलिए, ईमेल खोल के हम अपनी रजिस्ट्रेशन है जो उसे वेरीफाई कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी Gmail ID में मैसेज आ चुका है, डू नॉट रिप्लाई, यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्लिक करेंगे। इसके अंदर जाने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा रहेगा क्लिक हेयर टू कम्प्लीट योर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर ही क्लिक करना है और आपका रजिस्ट्रेशन है जो वो कम्प्लीट हो जाएगा। आप देखिए, हमने फिर उसी साइट पर रिडायरेक्ट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड नाउ। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपना बोर्ड का रोल नंबर 10th और प्लस टू दोनों का इसी तरह रजिस्टर कर सकते हैं पंजाब बोर्ड की साइट पे, और अपना रिज़ल्ट तुरंत पा सकते हैं जिस दिन भी पंजाब बोर्ड अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा। और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारा रिज़ल्ट कब आने वाला है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी इस तरह। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।